नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सिकंदरा प्रेस क्लब का हुआ गठन, सुभाष कटियार बने अध्यक्ष, कहा सभी को साथ लेकर संगठन को बनाऊंगा, सशक्त पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। बर्दाशत सिकंदरा तहसील क्षेत्र के रसधान कस्बे में पत्रकारों की एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक की अध्यक्षता मान्यता प्राप्त पत्रकार प्रशांत कटियार ने की। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद तहसील इकाई का गठन किया गया। सिकंदरा प्रेस क्लब का चुनाव हुआ है, जिसमें करीब 23 सदस्य हमारे मौजूद थे, जिसमें संदलपुर, राजस्थान, राजपुर, उड़ीसापुर, सिकंदरा और सारे पत्रकार। क्या उद्देश्य रहेंगे आपके प्रेस क्लब के? मेरा उद्देश्य है कि हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं वो मिलकर कार्य करें, और अगर उन्हें कोई बात आती है किसी तरह की प्रशासनिक समस्या है उसके लिए संगठन पूरी तन्मयता के साथ उनके साथ खड़ा होगा, इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा प्रेस क्लब गठन जो हमने स्थापना की है, ये पूर्ण रूप से कार्य करेगी, जनता को न्याय दिलाएगी, वह जो गलत हो रहा है विभागों में उनका खुलासा करेंगे, और हम पत्रकारों को जो अन्याय होता है, सुरक्षा नहीं मिलती है, उस पर हम विचार अध्ययन करेंगे, शासन तक अपनी बात। वैसे मेरा मानना ये है कि जो अभी तक सिकंदरा तहसील में गठन तो हुआ नहीं था, ये बधाई के पात्र हैं मुकुंद जी, जिन्होंने जो है इस स्टेज पे हमको ले आए और हमने जो है ये गठन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई। अभी हमारे लोगों के पास कोई कोष तो है नहीं, और कोष उपलब्ध कराने के लिए हम अध्यक्ष जी से कहेंगे कि इस पर जो है मनन किया जाए। हमारे जो अन्य पदाधिकारी हैं ये भी अपना मनन करें कि किस तरह से संगठन को चलाना है। मैं ये चाहता हूँ कि इस संगठन को बराबर रफ्तार दी जाए, ताकि संगठन आगे चल के कामयाबी के। कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।